हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेलवानो ऐप। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन को आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेट टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। देखिए, एक टर्म यहाँ पर यूज होगी इस चैप्टर में, कंसिस्टेंट। तो अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन आपके पास हो, मतलब ऐसा केस ना हो कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एग्जांपल के तौर पर क्या बोला गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस। जैसे मान लीजिए दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स और वाई, मतलब एक्स का कोफिशियंट्स का जो रेशियो है वही कोफिशियंट्स का रेशियो वाई का भी है। तो इसका मतलब ये लाइंस जो होंगी पैरेलल होंगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू टू और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। ये जो दोनों लाइन्स हैं कैसी लाइन्स हो जाएंगी, पैरेलल। और हमें पता है कि पैरेलल लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये जो सिस्टम है इनकंसिस्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि इट हैज नो सॉल्यूशंस, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और एक कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए क्या होने के लिए, कंसिस्टेंट होने के लिए। इट मींस देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एंड y व्हिच सैटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस, हियर द टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल। फिर क्या बोला गया है, ये वाली इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो एक है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू टू, एक है x माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 2x इक्वल्स टू टू, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1। तो क्योंकि इसमें आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा है, 1.1 आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। कि ये क्या है, कंसिस्टेंट, बिकॉज इट हैज़ सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। हेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। किस पॉइंट पर, 1.1 पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ये जो दो लाइंस हैं ये दोनों एक दूसरे को 1.1 पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो कंसिस्टेंट क्या होता है, जब आपका कम से कम एक सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट क्या होगा, जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, बोल रहे हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले बोला जा रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर हम दो वेरिएबल में बात करें, मतलब केवल x और केवल y, z यहाँ पर नहीं होगा। अगर हम दो वेरिएबल्स में बात कर रहे हैं तो लेट से मेरे पास ये दो इक्वेशंस है, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0। अगर मान लीजिए मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, यहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो गई तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि दो इक्वेशंस हमने मान ली हैं वेयर दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस। अब इनको हमें अगर सॉल्व करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। x अपॉन क्या लिखते थे, b1 into c2, 10th क्लास में पढ़ा हुआ होता है, माइनस b2 into c1 इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन a1 into c2 माइनस a2 into c1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 into b2 माइनस a2 into b1। ये लिखते हैं, ये सुन लो। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसको लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को लोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकाल सकते हो। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से x और y की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, और x और y की वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पर ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। अभी तक तो हमने केवल और केवल टू वेरिएबल्स में बात की, टू वेरिएबल्स में मतलब एक्स और वाई। अब हम किस में बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड में बात करेंगे। अब देखो, अगर तीन वेरिएबल हैं तो सॉल्व करने के लिए भी हमें कितने इक्वेशन चाहिएंगे, तीन इक्वेशन चाहिएगी। तीन अगर वेरिएबल हैं तो सॉल्व करने के लिए भी तो तीन ही चाहिएगी, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल थे तो इक्वेशंस कितनी लगी, दो। तीन वेरिएबल होंगे तो इक्वेशन कितनी लगेगी, तीन। तो हमने तीन इक्वेशंस मान ली, लेट से a1x plus b1y plus c1z equals to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3। ये हमने मान लिया कि लेट से तीन इक्वेशंस हमारे पास हैं। अब हमें अगर इन्हें सॉल्व करना है तो बच्चों, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चार चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिएंगी, एक डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, या यूँ बोलें कि डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तीन इक्वेशंस आपको ये गिवन है, जो डेल्टा होगा वो यहाँ से बनेगा, मतलब a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये बन गया आपका यहाँ से डेल्टा। डेल्टा तैयार है कि नहीं है, डेल्टा तैयार है कि नहीं है, बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट जो चीज़ चाहिए दैट इज़ डेल्टा 1। देखो, डेल्टा 1 में कुछ नहीं करना है,
डेल्टा वन बोलो या डेल्टा एक्स आप बोल सकते हो। क्लियर सी बात है, अगर डेल्टा एक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्स निकालने के लिए यूज होगा, डेल्टा वाई की बात कर रहे हैं मतलब डेल्टा वाई निकालने के लिए यूज होगा, और अगर डेल्टा जेड की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जेड निकालने के लिए यूज होगा। अब देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए आप डेल्टा एक्स लिखना चाह रहे हैं, आप डेल्टा एक्स लिखना चाह रहे हैं तो आप करोगे क्या, एक्स के कोफिशियंट्स को इसमें से हटा दो, डेल्टा में से एक्स के कोफिशियंट्स को हटा दो और क्या किससे रिप्लेस कर दो, इससे कॉन्स्टेंट्स से d1 d2 d3 और बाकी सब कुछ एज इट इज रहने दो। अब अगर आपको चाहिए डेल्टा वाई तो वाई वाली जो कॉलम है उसको हटा दो, मतलब किसको हटा दोगे, मतलब इसको हटा दोगे, इसकी जगह क्या लिख दोगी, कॉन्स्टेंट्स d1 d2 d3 बाकी सब कुछ एज इट इज, तो ये मिल जाएगा। फिर मेरे को चाहिए डेल्टा जेड, तो डेल्टा जेड के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली कॉलम हटा देंगे और इस कॉलम की जगह हम क्या लिख देंगे, d1 d2 d3 कॉन्स्टेंट्स वाली कॉलम, तो कॉन्स्टेंट्स वाली कॉलम जब आप लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, बाकी a1 b1 a2 b2 a3 b3 एज इट इज रहेंगे, c1 c2 c3 की जगह d1 d2 d3 आ जाएगा। ये बन गया आपका डेल्टा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड कैसे लिखना है और डेल्टा कैसे लिखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या बोल रहे हैं, मान लो डेल्टा नॉन जीरो है, हो सकता है जीरो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम अभी जो मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि वो डेल्टा नॉन जीरो है, लेट्स से दिस डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो क्या बोला गया है, डेल्टा वन जो होगा वो ये होगा, डेल्टा वन जो है वो हमने यही देखा है ना, डेल्टा वन तो यही है। अब डी वन जो है वो इसके इक्वल है, डी टू जो है वो इसके इक्वल है, और डी थ्री जो है वो इसके इक्वल है, क्योंकि हमें पता है कि डी वन डी टू डी थ्री सब इसके इक्वल है, तो इनको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करने से आपके पास ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, और ये दो कॉलम एज इट इज रहने वाली है, ये दो कॉलम कैसे रहने वाली है, एज इट इज। अब मैं यहाँ पर एक कलाकारी करता हूँ, क्या कलाकारी करेंगे, मैं आपको बोलता हूँ कि C1 को इस तरह लिखो, C1 माइनस वाई C2 माइनस जेड C3, लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ से अगर ऐसा लिखा जाए तो क्या बन जाएगा, ये A1 X प्लस B1 Y प्लस C1 Z माइनस, Y को C2 से मल्टीप्लाई करना है तो B1 Y, और Z को C1 से C3 से करना है तो इसका मतलब C1 इंटू Z, और बाकी ये B1 C1 ये एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पर ये क्या है, A2X प्लस B2Y प्लस C2Z माइनस B2Y माइनस C2Z B2 और ये C2। फिर यहाँ पर ये आ जाएगा A3X प्लस B3Y प्लस C3Z माइनस B3Y माइनस C3Z और इधर B3 और C3 एज इट इज। ध्यान से देखिए, B1Y कैंसिल, C1Z कैंसिल, B2Y, C2Z, B3Y, B3Y, C3Z कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पर जो बचेगा वो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसको हम साइड में कर देते हैं, क्या बचेगा ज़रा वो देखिएगा, देखो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ, ये इधर बच रहा है A1X, इधर बच रहा है B1 और ये C1, फिर उधर बच रहा है A2X बच रहा है, ये रहा यहाँ पर A2X बचेगा केवल, फिर क्या है B2C2, तो ये हो गया आपका B2, ये हो गया C2, फिर क्या बच रहा है A3X B3C3, ये हो गया यहाँ से A3X B3 और ये C3। एक बात बताइए, क्या मैं फर्स्ट कॉलम में से इसमें से X कॉमन निकाल लूँ, तो X को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर A1 B1 C1, ये बन गया यहाँ पर A1 B1 C1, A2 B2 C2, ये बच गया A2 B2 C2 और ये बचेगा A3 B3 C3, ये बच गया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, X इंटू, ज़रा ध्यान से इसको देखो, ये क्या है बच्चों, डेल्टा, क्या है ये डेल्टा, और ये आपने क्या निकाला, डेल्टा वन, क्योंकि यहाँ से हम डेल्टा वन लेके चले थे ना, और यहाँ से पहुँचते पहुँचते क्या बच गया लास्ट में, X इंटू डेल्टा। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से डेल्टा टू जो होगा वो आपका आ जाएगा डेल्टा Y इंटू डेल्टा, और डेल्टा थ्री जो आएगा वो आ जाएगा Z इंटू डेल्टा, क्या जाएगा Z इंटू डेल्टा। तो इन तीन रिलेशन से, इससे इससे और इससे आप क्या लिख सकते हैं, X इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, Y इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, Z इक्वल्स टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। कब, जब डेल्टा जीरो नहीं है, ध्यान रहे, क्योंकि हमने शुरू में ही ये कंडीशन डाल दी थी दैट लेट डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो जब डेल्टा जीरो नहीं होगा तब हम बोलेंगे एक्स वाई जेड, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, आपको रखना है डेल्टा कैसे निकालना है, डेल्टा वन कैसे निकालना है, डेल्टा टू कैसे निकालना है, डेल्टा थ्री कैसे निकालना है, उनका यूज करके आप एक्स वाई जेड निकाल लेंगे यहाँ से।
द रूल गिवन इन इक्वेशन 4 टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल. इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल. यही है वो क्रैमर्स रूल कि आप किस तरह से तीन वेरिएबल्स में जो इक्वेशंस होंगी उनको सॉल्व करके एक्स वाई जेड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट बोला जा रहा है डेल्टा आई इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एलिमेंट्स ऑफ आईथ कॉलम बाय डी वन डी टू डी थ्री वेयर आई इज इक्वल्स टू 1, 2, 3. ये तो मैंने बता ही दिया कि अगर डेल्टा हमारे पास है तो आपको करना क्या, अगर डेल्टा वन निकालना है तो जितने भी एक्स के कोफिशियंट्स हैं उस वाली कॉलम को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, कॉन्स्टेंट से. वाई निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है तो क्या करेंगे, जितने भी वाई के कोफिशियंट्स वाला कॉलम है उसको हम कॉन्स्टेंट्स वाले से रिप्लेस कर देंगे. डेल्टा जेड निकालना है तो जेड के कोफिशियंट्स का जो कॉलम है उसको हम कॉन्स्टेंट्स से रिप्लेस कर देंगे. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, क्रैमर्स रूल कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन डेल्टा इज नॉट जीरो. क्रैमर्स रूल आप केवल तभी यूज कर सकते हो जब डेल्टा नॉन जीरो होगा. नेक्स्ट, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस की मतलब किस तरह का, कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट, इस तरह के हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं. क्या बोला जा रहा है, लेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बी दिस. मान लिया हमने कि ये लीनियर सिस्टम है इक्वेशंस का. फिर क्या बोला जा रहा है, नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी क्या क्या हैं देख लेते हैं बारी बारी से. फर्स्ट बोला जा रहा है हो सकता है डेल्टा नॉन जीरो हो जाए. अगर मान लीजिए डेल्टा नॉन जीरो हो गया तब तो हम एक्स वाई जेड इस तरह से निकाल ही लेंगे यूजिंग क्रैमर्स रूल. अब जरा एक बात बताइए, अगर डेल्टा जीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब डेल्टा वन अपॉन डेल्टा की कुछ वैल्यू आएगी, भले ही जीरो आए लेकिन कुछ तो आएगी. डेल्टा टू अपॉन डेल्टा भी कुछ ना कुछ तो आएगा, डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा. तो इसका मतलब यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है. तो क्या होगा, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन यहां पर हमें मिल जाएगा. कहां पर, यहां पर, इससे. हेंस यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड विल बी ऑब्टेन्ड एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, डेल्टा अगर जीरो हो गया तो क्या होगा. जब डेल्टा नॉन जीरो है तब तो हमने देख ही लिया, अब डेल्टा को जीरो कर देते हैं. अगर डेल्टा जीरो हुआ तो बच्चों ध्यान से सुनो, ये क्या लिखा है, एक्स इंटू डेल्टा या डेल्टा वन इज इक्वल्स टू, हम ऐसा बोल सकते हैं, या फिर डेल्टा टू इज इक्वल्स टू वाई इंटू डेल्टा, और या फिर डेल्टा थ्री इज इक्वल्स टू जेड इंटू डेल्टा. ये यहाँ पर हमने लिख लिया. अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया, बोला जा रहा है व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज नॉन जीरो. इनमें से कम एक जो है वो नॉन जीरो हो जाए. अगर मान लीजिए लेट से डेल्टा वन नॉन जीरो हो गया, लेट से मान लो लेट डेल्टा वन इज नॉन जीरो. अगर देखो नॉन जीरो है और हमें ऊपर ही पता है कि डेल्टा तो जीरो है, तो ये वाली जो इक्वेशन बनेगी ये क्या बनेगी, डेल्टा वन इक्वल्स टू एक्स इंटू जीरो. ये जो इधर वाला पोर्शन है ये तो जीरो है और जो इधर वाला पोर्शन है ये नॉन जीरो है. क्या एक नॉन जीरो क्वांटिटी कभी जीरो के इक्वल हो सकती है, इम्पॉसिबल. इसीलिए हम यहाँ पर बोल देंगे कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन होंगे. तो क्या बोल रहे हैं, लेट डेल्टा वन नॉन जीरो, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 दिस विल नॉट बी सेटिस्फाइड फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स बिकॉज डेल्टा जीरो एंड डेल्टा वन इज नॉन जीरो, हेंस नो वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल इन दिस केस. इसीलिए यहाँ पर कोई भी एक्स की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी. सिमिलरली अगर मान लीजिए डेल्टा टू नॉन जीरो हो गया, जैसे हमने डेल्टा वन को लिखा है यहाँ पर, वैसे ही हो सकता है डेल्टा टू भी नॉन जीरो हो जाए. जब डेल्टा टू नॉन जीरो नहीं होगा तो ये वाली इक्वेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, विल नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ वाई, हेंस नो वैल्यू ऑफ वाई विल बी पॉसिबल. और अगर मान लीजिए डेल्टा थ्री जीरो हो गया तो सिमिलरली जेड के लिए हो जाएगी, क्योंकि जेड की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी. तो यही बोला गया है कि अगर डेल्टा जीरो है एंड एनी ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज नॉन जीरो, अगर इन तीनों में से डेल्टा वन डेल्टा टू या डेल्टा थ्री में से कोई भी नॉन जीरो हो गया तो उस केस में नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल एंड हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी इनकंसिस्टेंट. यहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कैसा बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट. क्यों, कंसिस्टेंट कब बोलते थे, जब उसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो. अगर उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम क्या बोल देंगे उसको, इनकंसिस्टेंट. नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि अगर डेल्टा जीरो हो गया और साथ ही साथ ये सब भी जीरो हो गए, डेल्टा तो जीरो है ही है, साथ ही साथ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री सब जीरो हो गए, तो उस केस में यहाँ पर देखिए, जब हमारे पास डेल्टा वन इक्वल्स टू एक्स इंटू डेल्टा है, डेल्टा टू इज इक्वल्स टू वाई इंटू डेल्टा है, डेल्टा थ्री जो है वो जेड इंटू डेल्टा है, अगर ये सब जीरो हो गए तो यहाँ पर ये भी जीरो, तो एक्स इंटू जीरो, इधर ये जीरो, इधर वाई इंटू जीरो, इधर ये जीरो, इधर ये जेड इंटू जीरो, तो ये बन जाएगा जीरो इक्वल्स टू जीरो, ये भी जीरो इक्वल्स टू जीरो,
तो ये भी जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब ऐसी एक्स वाई जेड की बहुत सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो क्योंकि ये हमेशा ट्रू होने वाला है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो दैट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा ये कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मोर देन वन यानी मतलब जीरो सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, ज़्यादा सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। लेकिन क्या बोल रहे हैं, बट सिंस दिस देयरफॉर ओनली टू वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड विल बी इंडिपेंडेंट एंड द थर्ड विल बी डिपेंडेंट ऑन द अदर टू। मतलब एक्स वाई जेड में से आपकी कोई भी दो वैल्यू इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो। लेट से मैंने ले ली यहाँ पर कि एक्स की वैल्यू वन आ गई, मान लीजिए ये आपको बोल दिया गया कि एक्स की वैल्यू वन है, वाई की वैल्यू टू है, लेकिन जेड की वैल्यू किससे डिसाइड होगी, Z की वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, क्योंकि भाई ये इक्वेशन भी तो सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। मतलब अगर मान लो आपने 1, 2, 3 मान ली, लेकिन 3 जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो फिर क्या मतलब है। तो आप करोगे क्या यहाँ पर, किन्हीं भी दो को मान लोगे और तीसरे की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पर बना सकते हैं अगर ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा सब कुछ 0, 0 है तो। ओके, नेक्स्ट। ओके, दस इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड आर पॉसिबल, आउट ऑफ एक्स वाई जेड ओनली टू कैन बी इंडिपेंडेंट वैल्यूज, ओनली टू कैन टेक इंडिपेंडेंट वैल्यूज, क्योंकि तीसरा तो डिपेंड करेगा। तो बोल रहे हैं हैंस इफ डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री सब कुछ जीरो हो जाए, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट एंड इट विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर ये तीनों जीरो हो गए, चारों जीरो हो गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, और वहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट। समरी क्या है वो देख लेते हैं। अगर मान लीजिए डेल्टा नॉन जीरो है, सबसे पहले डेल्टा के ऊपर कंडीशंस हो सकती हैं, हो सकता है वो जीरो हो सकता है वो नॉन जीरो हो। अगर मान लीजिए डेल्टा नॉन जीरो है, तो हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा है, y इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा है, और z इज इक्वल्स टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा है। तो यहां से अगर डेल्टा ही नॉन जीरो है, तो इसका मतलब आपको क्लियरली सी बात है कि यहां से हमें नॉन जीरो सॉल्यूशंस मिलने वाले है। तो वही बोला है, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए डेल्टा जीरो हो गया, अगर डेल्टा जीरो हो गया और डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री में से कोई एक नॉन जीरो हो गया, कोई एक क्या हो गया, नॉन जीरो, तब इस सिस्टम में कोई भी इक्वेशन नहीं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, मतलब ही इनकंसिस्टेंट होगा एंड विल हैव नो सॉल्यूशन। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए डेल्टा जीरो हो गया और साथ ही साथ डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री भी जीरो हो गए, डेल्टा तो जीरो है ही है और डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री भी सब जीरो है, देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तो होंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, एंड हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो ये समरी है जितना अभी तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्या बोला गया, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स। मान लीजिए तीन लीनियर इक्वेशन है हमारी, जिसमें दो अननोन आपके होंगे x और y, इसकी कंसिस्टेंस होने की क्या कंडीशन है, कंसिस्टेंट होने की मतलब इसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिल जाए, ऐसी क्या कंडीशन होगी कि ऐसी x और y की वैल्यूज जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो क्या करेंगे कि सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट इफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y ऑब्टेन फ्रॉम एनी टू इक्वेशन सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन। कि आप कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, ये कब कंसिस्टेंट कहलाएगा, वो कंडीशन है, कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, उन दो इक्वेशंस से जो भी x और y की वैल्यू आ रही है वो थर्ड में पुट कर दीजिए, अगर वो थर्ड को सेटिस्फाई करती हैं तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होगा। तो वही बोला गया है कि आपको क्या करना है, इफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y ऑब्टेन फ्रॉम एनी टू इक्वेशंस, कोई भी दो सॉल्व कर लीजिए, अगर वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो हम इसको कैसा बोल देंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, बोला जा रहा है सॉल्विंग फर्स्ट टू इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। अगर मान लीजिए आप इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट वाली जो दो इक्वेशंस हैं इन दोनों को अगर आप क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर लीजिए, तो वहाँ से आपको ये सब मिल जाएगा। आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, उन x और y की वैल्यूज़ को आपको करना क्या है, इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना है। जब आप थर्ड इक्वेशन में पुट करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, या आप यूँ बोलें कि यह आपके पास डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है कि अगर आपको दो वेरिएबल्स में इक्वेशन गिवन है, दिस प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इक्वल्स टू जीरो, अगर ये इक्वेशंस गिवन है, आपको बोला गया सिस्टम ऑफ दीज इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट बोला गया है तो हमें क्या करना है, कोफिशिएंट्स ले लो सारे, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री,
तब करेंगे क्या, इसको जीरो के इक्वेट कर देंगे। ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो और इसको जीरो के इक्वल कर दो। तो अगर ये तीनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं तो हमारे डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस इनटू अननोन्स। इफ सच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज वन। तो एक ही सॉल्यूशन होगा अगर ये तीन लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल्स में तीन लीनियर इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट हैं तो वहां पर आपको केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों, दो इक्वेशन को सॉल्व करने से एक वैल्यू आ रही है और वही वैल्यू हम थर्ड में सेटिस्फाई करा रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्या है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, जिसमें आपकी वेरिएबल्स की पावर हर एक टर्म में कितनी हो, सेम हो। तो वही यहाँ पर बोला गया है, और क्योंकि लीनियर की बात कर रहे हैं तो वन होनी चाहिए। ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ द सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज वन। वेरिएबल्स की पावर्स का सम अगर वन हो जाए तो उसे हम क्या बोल देंगे, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोल देंगे। लेट द थ्री होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन थ्री अननोन्स एक्स वाई जेड बी दिस। यहाँ पर आप देख सकते हो एक चीज कि आपका d1, d2, d3 सब जीरो है। अगर d1, d2, d3 सब जीरो है तो आप ध्यान से सुनना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए हम डेल्टा वन जब निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, देखिए डेल्टा वन, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। डेल्टा वन जब आप निकाल रहे थे तो यही तो d1, d2, d3 थे, वैसे डेल्टा टू, वैसे डेल्टा थ्री। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो डेल्टा वन बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, 0, 0, 0, b1, b2, b3, c1, c2, c3। ऐसे ही डेल्टा टू क्या बन जाएगा हमारा, a1, a2, a3, 0, 0, 0, c1, c2, c3। और वैसे ही डेल्टा थ्री जो बनेगा दैट विल बी a1, a2, a3, b1, b2, b3 और फिर 0, 0, 0। आप देख सकते हैं कि जब एक रो या एक कॉलम जीरो हो जाए तो वो पूरा डिटर्मिनेंट क्या बन जाता है हमारा, जीरो। सिमिलरली ये भी जीरो और सिमिलरली ये भी जीरो। तो डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री सब क्या आ रहे हैं हमारे पास, 0, 0, 0 आ गए। तो जितना भी आप देख रहे हैं सब कुछ क्या आ रहा है, जीरो। वही यहाँ पर बोला गया है कि अगर ये 0, 0, 0 है तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा वन इक्वल्स टू डेल्टा टू इक्वल्स टू डेल्टा थ्री कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है कि डेल्टा वन क्या होता है, एक्स इंटू डेल्टा, डेल्टा टू क्या होता है, एक्स इंटू डेल्टा, डेल्टा थ्री क्या होता है, जेड इंटू डेल्टा, दिस इज वाई इंटू डेल्टा। तो क्योंकि हमें पता है डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री सब जीरो आ रहे हैं तो आप एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जीरो, जेड इक्वल्स टू जीरो, ये एक सॉल्यूशन हो गई होगा। क्लियरली x इक्वल्स टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो इज अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ अबव इक्वेशंस। तो एक तो मिल गया, अगर एक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, अगर एक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट तो हो गया। तो कंसिस्टेंट तो हो ही गया, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन, एनी अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब भी आपको 0, 0, 0 मिल जाए, जब भी आपको x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो एक सॉल्यूशन मिल जाए तो आप उसे क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर इसके अलावा कुछ और मिल रहा है तो हम क्या बोल देंगे उसको, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो वही बोला गया, लेट अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमने मान लिया कि है, दिस इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन और होंगे, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। यही हमारा डेल्टा होगा, क्योंकि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए डेल्टा क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे। अब क्या बोला जा रहा है कि x जो होगा वो आप इस तरह से, y इस तरह से और z इस तरह से निकाल सकते हो। मान लिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला ही मेथड यहाँ पर लगा के हम निकाल रहे हैं, तो x जो होगा वो k इंटू दिस, y जो होगा k इंटू दिस, z जो होगा वो k इंटू दिस हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको इसको लोगे तो x इक्वल्स टू ये आ जाएगा, वो इसको इसको लोगे और इसको इसको लोगे तो z भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्स वाई जेड आ गए। अब मान लीजिए अगर आपने एक्स वाई जेड को अगर आप वहाँ पुट कर देते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, यही बनेगा। अगर आप थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या बनेगा, यही तो बनने वाला है। और यहाँ से हमारे पास ये मिल जाएगा, इसमें सिंपली आपको लास्ट में क्या मिलेगा, एक डिटर्मिनेंट मिलने वाला है, दैट इज दिस वन। सिंपली क्या मिल जाएगा, एक डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो हम वही बोल देंगे कि अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा जीरो होना चाहिए। नॉन ट्रिवियल हमने क्यों बोला, क्योंकि एक से ज्यादा सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, 0, 0, 0 के अलावा और भी सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं। तो उस केस में हम डेल्टा को जीरो कर देंगे और क्या बोल देंगे कि उसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। कभी भी क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो आपको वहां पर क्या कर देना है, डेल्टा को जीरो कर दीजिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस की कंडीशन ऑटोमेटिकली लग जाएगी। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं,
समरी क्या है कि अगर डेल्टा नॉन जीरो है, मान लीजिए डेल्टा नॉन जीरो है, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस केस इज वन. तो उस केस में तो हमारे पास क्या था, केवल एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो, और ये क्या है हमारा एक ट्रिवियल सॉल्यूशन. लेकिन अगर इसके अलावा भी कुछ और आ गया तो उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो जब डेल्टा जीरो हो जाएगा तो आप ध्यान से देखिए, डेल्टा वन इज इक्वल्स टू एक्स इंटू डेल्टा, डेल्टा टू इज इक्वल्स टू वाई इंटू डेल्टा, डेल्टा थ्री इज इक्वल्स टू जेड इंटू डेल्टा. जब डेल्टा भी जीरो हो जाएगा तो ये जीरो 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 इक्वल्स टू जीरो. तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस यहाँ से मिलने वाले हैं, क्योंकि डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि जीरो है. तो वही बोला गया, इफ डेल्टा इज जीरो देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एज वेल एज ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस केस इज इनफाइनाइट. मतलब ये हुआ कि जीरो 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 तो साथ में होगा ही होगा, जीरो 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 मिलने का मतलब ही ट्रिवियल सॉल्यूशन है, लेकिन साथ ही साथ और भी सॉल्यूशंस मिलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी होंगे. और इसके लिए यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपका डेल्टा जीरो हो गया तो इधर जीरो जीरो जीरो, और डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तो हमारे ऑटोमेटिकली जीरो पहले से है ही है. तो अगर आपको पास जीरो 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 सब कुछ जीरो जीरो हो रहा है तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे. और क्योंकि जीरो 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 ट्रिवियल को रिप्रेजेंट करता है और इसके अलावा जो होगा उसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हम बोल देते हैं. तो यहाँ पर दोनों ही तरह के मिलेंगे, ट्रिवियल भी और नॉन ट्रिवियल भी. एक क्वेश्चन बोला गया है, सोल्व बाय क्रैमर्स रूल दिस दिस दिस. इनको आपको क्रैमर्स रूल से सोल्व करना है. सबसे पहले डेल्टा निकालना होगा, डेल्टा वन निकालना होगा, डेल्टा टू निकालना होगा, डेल्टा थ्री निकालना होगा. डेल्टा क्या हो जाएगा, वन वन, मतलब एक्स के कोफिशियंट्स वन वन थ्री, तो वन वन थ्री. वाई के कोफिशियंट वन माइनस वन टू, वन माइनस वन टू. जेड के कोफिशियंट वन वन माइनस फोर, वन वन माइनस फोर. इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने से वैल्यू 14 आ जाती है. चाहे तो आप अंदर ऑपरेशन लगा दो या फिर आप चाहे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो. डायरेक्ट करेंगे तो 1 इंटू माइनस वन इंटू माइनस फोर इज 4, माइनस टू इंटू वन इज 2, माइनस वन इंटू वन इंटू माइनस फोर इज माइनस फोर, माइनस थ्री इंटू वन इज 3, प्लस 1 इंटू टू इंटू वन इज 2, माइनस 3 इंटू माइनस वन इज माइनस 3. तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा. यहां से बचेगा क्या, 2 माइनस 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 प्लस 7 बन जाएगा. फर्दर 2 प्लस 3 कितना बन जाएगा, 5. तो ये कितना बन गया, 14. देख सकते हो यहाँ पे 14 आ रहा है. सिमिलरली बाकी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ डेल्टा एक्स क्या होगा. डेल्टा एक्स में आपको क्या करना है, इस वाली कॉलम को हटा के यहाँ से 6, 2 और माइनस 5 ये लगा देना है, 6, 2, माइनस 5. बाकी सब एज इट इज रहेगा. जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा. कितना आ जाएगा, ये भी 14 आ जाएगा. नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम इसमें से वाई को हटाएंगे और इधर 6, 2, माइनस 5 रख देंगे. बाकी सब कुछ एज इट इज रखेंगे, इसका 28 आ जाएगा. और सिमिलरली अगर हम इसमें से ये जेड, सॉरी इसमें से नहीं, इसमें से अगर हम जेड हटा दें और इसकी जगह 6, 2, माइनस 5 पुट कर दें तो डेल्टा 3 आ जाएगा. और डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 42 आ रही है. अब अगर मुझे x निकालना है तो क्या होगा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा. y निकालना है तो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा. z निकालना है तो डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा. यहाँ से x कितना आ जाएगा, देखिए डेल्टा 1 या डेल्टा x बोलें, 14 अपॉन 14 कितना बनेगा, 1. तो यहाँ से 14 अपॉन 14 दैट इज 1. y कितना बन जाएगा, डेल्टा 2 कितना है, 28. तो 28 अपॉन 14 कितना बन गया, 2. इधर z कितना है, 42 अपॉन 14 दैट इज 3. तो बेसिकली x 1 आ रहा है, y 2 आ रहा है, z 3 आ रहा है. तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर क्रैमर्स रूल का यूज करके x, y, z की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि अगर दिस दिस एंड दिस हैव ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. बच्चों अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इसका मतलब पक्की बात है कि डेल्टा क्या होगा, जीरो होगा. तो आपको वैल्यू a की बतानी है, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं. अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, डेल्टा जीरो हमें करना है. तो अगर आप डेल्टा यहाँ पर जीरो कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स के कोफिशियंट क्या है, 2a, 1, 2. वाई के कोफिशियंट क्या है, माइनस 2, a, और इधर कितना है, 0. और जेड के कोफिशियंट क्या है यहाँ पर, 3, 2 और a. इसको आपने जीरो कर देना है. अगर मान लीजिए आप इसको जीरो करते हैं, अगर आप इसको लेट से जीरो कर देते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, देखिए ये बनेगा 2a इंटू a इंटू इज a स्क्वायर माइनस 0, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 इंटू इज a माइनस 2 इंटू 2 इज 4. आई होप डिटर्मिनेंट ओपन करना सबको आ गया होगा अभी तक. 3
थ्री इंटू वन इंटू जीरो इज जीरो माइनस टू ए, तो माइनस टू ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या करेंगे, टू से डिवाइड लगा दो, ये बनेगा ए क्यूब प्लस ए माइनस फोर माइनस, ये बन जाएगा थ्री ए इक्वल्स टू जीरो। तो ये बनेगा ए क्यूब माइनस टू ए माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू टू लिख दें तो ए माइनस टू इंटू ये बन जाएगा ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस टू में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू ए स्क्वायर जो हमें नहीं चाहिए, तो इसका मतलब हमें प्लस टू ए से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर प्लस टू ए माइनस टू ए माइनस टू में मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस फोर ए, हमें कितना चाहिए माइनस टू ए, तो प्लस टू कर देंगे इक्वल टू जीरो, ये कभी जीरो हो नहीं सकता तो इसको जीरो कर देंगे ए माइनस टू को, तो ए माइनस टू इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी टू। तो बेसिकली ये तरीका है कि कैसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करके बात कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रेस्ट विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग लेक्चर। सो आई होप यू डिड फॉलो दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।